हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप दोस्तों। हमने बात करी थी लास्ट टाइम, हमने अर्जुन पोर्टल की। अर्जुन पोर्टल बेसिकली कहाँ है, क्या है, जिस पे हम अपने डिसेबल होने के हिसाब से जो सरकारी सहायता हमें मिलती है, क्या मिलती है कि फ़ोन, लैपटॉप, स्मार्ट केन या ट्राई बाइसिकल या जो भी कॉचलियर इम्प्लांट, हाँ कॉचलियर इम्प्लांट, ये हियरिंग एड्स, तो इन सब चीज़ों के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। और अर्जुन पोर्टल मैंने आपको बताया था कि कैसे करेंगे, किसी ब्राउज़र पे ओपन करेंगे और वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे जाने के बाद आपको डाउन और अप एरो से और टैब से नेविगेट करना है। वहाँ पे आपको वो मिलेगा बहुत इम्पोर्टेंट कॉलम, कई तरह के रजिस्ट्रेशन के कॉलम मिलेंगे। उसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉलम मिलेगा, वो होगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन उस पर एंटर कीजिएगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर, और वहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर एंटर जैसे ही करेंगे तो वहाँ पर कैटेगरी आएगी कि किस कैटेगरी में आप जो है, नहीं एक मिनट, हाँ वहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, सॉरी अर्जुन पोर्टल नहीं, पीएम दक्ष पोर्टल की बात कर रहे थे, आई एम सो सॉरी, हम पीएम दक्ष पोर्टल की बात कर रहे थे, अर्जुन पोर्टल की बाद में करेंगे। तो पीएम दक्ष पोर्टल क्या था कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब की ज़रूरत पड़ती है और आपको जॉब चाहिए, अर्जुन की बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये कुछ चीज़ें छाट छाट के निकाले हैं आपके लिए, अच्छे से ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए, तो इसलिए बता रही हूँ। तो आप जो पीएम दक्ष पोर्टल पे जब एंटर करेंगे, पहले गूगल क्रोम ओपन कीजिए, फिर उसके बाद पीएम दक्ष पोर्टल खोलिए, फिर एंटर कीजिए, फिर कंट्रोल होम करके टैप टैप करके वहाँ पे आइए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। वहाँ पे कई तरह के रजिस्ट्रेशन के कॉलम्स मिलेंगे, आपको बताया था डाउन, अप एरो और टैब, तीनों आपको यूज़ करना है। और वहाँ पे टैब से यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे एंटर करेंगे तो वहाँ पे एक कैटेगरी आएगी कि आपको किस उसमें जॉब चाहिए। वो उसको तो इग्नोर ही कीजिएगा, वो कोई इशू नहीं है। वहाँ पे ज़्यादातर एक्सपेंड करने के लिए आएगी फंक्शनलिटी, कोलैप्स फंक्शनलिटी होती है। टैप करेंगे, टैप करने के बाद वहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पहले क्या, नेम, फिर उसके बाद आपका फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी हो गई, आपका यूडीआईडी नंबर हो गया, फाइल अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएंगे, एजुकेशनल सर्टिफिकेट होंगे, है ना। तो आपको बहुत सारे कॉलम्स मिलेंगे जो बेसिकली फॉर्म में मिलते हैं, फिर ये टैप टैप करके भर लेंगे, फिर आप सबमिट बटन पे एंटर करेंगे। तो अभी आपको समझ में आया, जैसे ही हम लोग, कई तरह के रजिस्ट्रेशन्स आएंगे वहाँ पर, बहुत कई सारे रजिस्ट्रेशन्स। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाना है, किसमें, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में एंटर करेंगे तो एक बॉक्स आएगा, तो उसको तो अगर आपके मतलब का ना छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नेम को, है ना, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, हाँ डीओबी, डेट ऑफ बर्थ आएगा, एड्रेस आएगा, आपकी सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, लेकिन यूडीआईडी नंबर, है ना, और आप अपनी आधार, अपना फ़ोटो पास में रखिएगा, फिर आएगा सबमिट बटन। फिर आपने नेविगेट कर ही लिया है, आपको हो सकता है क्रिएट पासवर्ड करने के लिए का, तो अपना एक पासवर्ड भी क्रिएट कर लीजिएगा ताकि आप अपना प्रोफाइल देखें लॉगिन करके। तो ये चीज़ है, बाकी वहाँ पे हेल्प के लिए नंबर भी दिए रहते हैं, नंबर भी आप उन नंबर पे कॉल करके ये पूछ सकते हैं कि कोई भी जॉब आई है वीआई के लिए प्राइवेट सेक्टर में या नहीं। तो ये बहुत अच्छा है पीएम दक्ष पोर्टल, ये इसके बारे में मैंने इंटरनेट से सर्च करके आपके लिए निकाला, आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा। इसके बाद हम अर्जुन पोर्टल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको अगली बार।